मौसम विभाग ने अगले दो दिन के बाद से तापमान में गिरावट होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार से इसमें गिरावट होने लगेगी। मौसम विभाग का कहना है पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में जल्द ही सर्दी शुरू हो जाएगी। अगले सप्ताह ठंड का एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ रहेगा। सुबह हल्की धुंध रहेगी, दोपहर में धूप खिलेगी। फिलहाल बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। अगले दो दिनों के बाद से तापमान में कुछ कमी आएगी। मौसम विभाग का कहना है दिल्ली में इस साल नवंबर में ठंड का प्रकोप कम रहेगा, दिसंबर में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर देखा जा सकेगा। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में नवंबर से ही सर्दी के बढ़ने की संभावना है। नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही गुनगुनी ठंड की आहट भी आने लगी है। हालांकि अभी भी देश के कई राज्यों में दिन में हल्की गर्मी महसूस होती है, लेकिन अब आईएमडी ने ठंड को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। आईएमडी ने कहा है 3 नवंबर से ठंड दस्तक देने वाली है, क्योंकि उत्तर और पूर्वी भारत में 3 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 7 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में 3 से 4 नवंबर और साउथ इंटीरियर कर्नाटक और लक्षद्वीप में 2 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ इलाकों में बिजली कड़क सकती है। अंडमान और निकोबार में 5 नवंबर को तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। इससे ठंड में इजाफा होगा और ठंड की शुरुआत होगी। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी आदि को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इसका मतलब है यूपी में मौसम साफ रहेगा। आने वाले दिनों में भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिण ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। दिवाली की रात से लगातार तेज हवा चलने के बावजूद दिल्ली में रविवार को वायु प्रदूषण का संकट पहले से ज्यादा गंभीर है। रविवार की सुबह दिल्ली के अधिकांश इलाकों में धुंध छाई हुई थी। सुबह के समय घर से बाहर निकलने वालों को ठंड का एहसास होने लगा। रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक डीटीआई में 401, नरेला में 380, मुंडका में 389, न्यू स्वरूप नगर में 361, प्रशांत विहार में 359, पूसा में 358, साथ ही आनंद लोक में 303 AQI दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 3 नवंबर को सुबह कोहरा छाए रहने और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया था। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में शनिवार को प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई और वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि इसमें सुबह के दौरान कुछ सुधार दिखा। दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार शाम 4 बजे 316 दर्ज किया गया, जो सुबह के 290 से ज्यादा था। दिवाली की रात लोगों द्वारा पटाखों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने के बावजूद अनुकूल हवाओं के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता अपेक्षा के अनुरूप गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंची। पिछले 3 दिनों से दिन और रात के समय धुंध के साथ तेज हवाएं राष्ट्रीय राजधानी को घेरे रही, जिससे सर्दी के आगमन का संकेत मिल रहा है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, 401 से 450 के बीच गंभीर और 450 से ऊपर AQI को बेहद गंभीर माना जाता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।